चुनावी नतीजे को लेकर बिहार से बड़ी खबर आई है। जी हाँ, बिहार से खबर आई है बेगूसराय को लेकर। एनडीए के पक्ष में एक बार फिर गिरिराज सिंह को भारी बहुमत मिलने की आ रही है खबर। यानी कि कन्हैया कुमार के नाम का डंका जो बजा था कि बेगूसराय में इतिहास पलटेगी और इस बार कन्हैया एक नया इतिहास लिखेंगे, लेकिन सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया को अब गिरिराज के आगे झुकना पड़ रहा है। अगर अब तक माने अगर रिजल्ट सामने आने की, तो इस पर हम बात करेंगे। तो मैं तृप्ति आपके बीच लेकर आई हूँ शिव। मैं तृप्ति आज आपको बताऊंगी कि क्या है बेगूसराय का अब तक का आया हुआ नतीजा, जिसके लिए एडविन जी आपको बताएंगे कि क्या आपको लगता है एडविन जी गिरिराज वाकई में इस बार फिर से वहां पर अपनी जीत पक्ष में लेकर आएंगे। बिल्कुल तृप्ति, और लगातार सोशल मीडिया के हीरो बने हुए थे और कन्हैया कुमार क्योंकि लगातार वो चर्चाओं में भी थे, न सिर्फ पॉलिटिशियन उनके पक्ष में गए बल्कि जिस तरह से हमने देखा कि बॉलीवुड के तमाम लोग उमड़कर वहां पहुंचे, चाहे जावेद अख्तर की बात हो या बात हो शबन आजमी की, चाहे बात हो प्रकाश राज की, ये सब लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने जताया कि वो कन्हैया कुमार को जिताना चाहते हैं, उनके पक्ष में वोट करना चाहते हैं। गुजरात के बिल्कुल गुजरात के जिनेश मेवानी वहां पर पहुंचे हुए थे एमएलए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि कन्हैया के पक्ष में बहुत सारा हजूम उमड़ा, लेकिन जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि वो लोगों के दिलों में जगह बनाने में शायद नाकामयाब रहे हैं। सोशल मीडिया के भले ही वो बहुत बड़े हीरो हों, लेकिन जो बेगूसराय की जनता है उसके लिए शायद वो उतने परफेक्ट नहीं है। इसीलिए उन्होंने गिरिराज को जो शुरुआती रुझान है उसके हिसाब से शुरुआती रुझान यही कह रहे हैं गिरिराज सिंह काफ़ी आगे चल रहे हैं कन्हैया कुमार से। तो एक बड़ा झटका हो सकता है क्योंकि तमाम लोग यही उम्मीद करके बैठे थे कन्हैया कुमार वहाँ पर जीत दर्ज करेंगे और इतिहास पलटा जाएगा, गिरिराज को हराएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कहा है अभिनव जी ने, क्योंकि अब तक जो आंकड़े आए हैं और शुरुआती रुझान में गिरिराज सिंह काफी आगे चल रहे हैं कन्हैया कुमार से। हम बात कर रहे हैं बिहार को लेकर, बिहार की बेगूसराय को लेकर। वैसे अभी जी एक बात याद आ रही है कि एक रिपोर्टर ने जब वहां बात की, वहां पर हमारे एक रिपोर्टर जब गए तो वहां बुजुर्गों से जब बात करनी पड़ी तो वहां पर बुजुर्गों का ये मानना था कि कन्हैया आज के युग के जो है वो युवा को भले अपनी तरफ खींच सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों की नजर में गिरिराज की जो जगह है वो नहीं बदल सकते। जाहिर बात है, उस शुरुआत में ऐसा हुआ भी क्योंकि नवादा से लड़ते थे गिरिराज, जब उनको बेगूसराय लाया गया तो पहले उन्होंने मना किया कि भाई मुझे वहीं चुनाव लड़ने दीजिए, लेकिन मोदी की जो पूरी कमेटी है उन्होंने बोला कि नहीं आपको जो है बेगूसराय से चुनाव लड़ना पड़ेगा और वो चुनाव लड़ने आते हैं। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही कि युवाओं में जरूर, और युवा देखिए सोशल मीडिया का मैं फिर कह रहा हूँ हीरो है वो, लेकिन जो बेस ग्राउंड की बात हम लोग करते हैं, जो ग्राउंड पे लोगों की बात करते हैं उनको लेकर शायद जो कनेक्टिविटी बैठाना चाहिए था वो शायद कन्हैया नहीं बैठा पाए। लेकिन हाँ, जिस तरह से उन्होंने नाम इस इलेक्शन को लेकर कमाया, समूचे देश की निगाह इस सीट पर थी, तो कम से कम आने वाले दिनों में हम एक बेहतर पॉलिटिशियन बनते हुए देख सकते हैं जरूर कन्हैया को। लेकिन फिर भी शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान में जिस तरह से गिरिराज सिंह आगे हुए वो कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि शायद जो पड़ना है वो गिरिराज की तरफ पूरी तरह से भारी नजर आ रहा है। बिल्कुल, और एक और बड़ी खबर आ गई है कि बिहार में एनडीए को 9 सीटें मिले हैं शुरुआती रुझान में, और यहाँ विपक्ष के मामले में कांग्रेस और बीएसपी या फिर जिसकी भी बात कर रहे हैं सब पीछे नजर आ रहे हैं और एनडीए 9 सीटों में अब तक अपना जो रुझान आगे कर चुकी है। ऐसे में एक और बात याद आती है बीजेपी की, कन्हैया ने यह कहा था कि वो जीते ना जीते लेकिन उनका लक्ष्य है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है। फिलहाल वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि अगर हम रुझानों पर देखें तो कम से कम 250 के आसपास रुझान आ चुके हैं, जिसमें 150 के आसपास एनडीए आगे चल रही है, तो ये भी उनका शायद जो गणित है वो उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, जिस तरह से उन्होंने सनसनी मचाई देश में सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया भी वहां पर पहुंचा, अटेंशन मिला उनको, तो ये मैं कह सकता हूँ आने वाले दिनों में वो बेहतर पॉलिटिशियन साबित हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो पहली बाजी है वो गिरिराज सिंह मारते हुए नजर आ रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मतलब यहाँ पर पॉलिटिक्स में अपने आप को जमाने के लिए उनको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सोशल मीडिया की बात करें, जेएनयू से निकले और लगातार लोगों ने उनको सराहा भी, आज तक वहां पहुंचा, एनडीटी भी वहां पहुंचा, तमाम बड़े चैनल वहां पहुंचे, विदेशी बहुत सारे जानकार वहां पहुंचे, कन्हैया कुमार आके किस मकसद से चुनाव लड़ रहे हैं। और महत्वपूर्ण यही था कि देखिए गिरिराज सिंह अनुभवी नेता है, उनके सामने कन्हैया कुमार अगर उनको टक्कर भी दे पाते तो छोटी मोटी बात नहीं, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि आने वाले दिनों में उनका भविष्य सुनहरा, 30 साल की लगभग उनकी उम्र हो रही है, तो अभी बहुत सारा समय बाकी है। लेकिन हाँ, जिस तरह से अटेंशन उन्होंने क्रिएट किया है और जिस तरह से पब्लिसिटी उन्होंने क्रिएट की है वो आने वाले दिनों में जरूर उनको फायदा पहुंचाएगा। बिल्कुल सही कहा, और ये जानते ही है सब कि बेगूसराय में गिरिराज की बहुत ज्यादा अहमियत साफ नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से गिरिराज सिंह आगे निकल आए हैं, और अगर ओवरऑल बात किया जाए तो 249 सीटों में अब तक जो आंकड़े सामने आए, 146 सीटें एनडीए ने कमा ली है, वहीं यूपीए इस मामले में 53 सीटों पर मुकबल है और वहीं अन्य सीटें 51 पर है। यानी कि अन्य और यूपीए के बीच मुकाबला तो नजर आ रहा है, लेकिन एनडीए के मुकाबले अन्य और यूपीए काफी पीछे है। तो वहीं बेगूसराय की बात करें तो
गिरिराज सिंह जो है जो आगे हैं, ऐसे में कन्हैया कुमार की बातें लगता है बिल्कुल गलत साबित होने वाली है। चौकीदारों पर हमला करना उनके लिए भारी पड़ने वाला है। देखते हैं अब आने वाले दिनों में जो रिजल्ट सामने आएंगे इस पर जो बात करेंगे हम, कि लगातार इस पर जो ओवरऑल जो सामने आएगा रिजल्ट उस पर बात करेंगे। कि शुरुआती रुझान में गिरिराज आगे निकल आए हैं और बेगूसराय में चौकीदार की जीत तय होती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए आपसे लेते हैं इजाजत, लौटेंगे जल्द नई खबरों को लेकर, लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।